हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, आईआईटी और नीट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। और इसी सीरीज़ में हम एक वीडियो का सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम मैं रख दिया हूँ मिसकंसेप्शन इन फिजिक्स। व्हाई दिस इज मिसकंसेप्शन? बिकॉज यूट्यूब पे ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो गलत पढ़ाए जाते हैं और वो गलत प्रोपोगेट होते रहते हैं आगे। ठीक है, वो बच्चा भी गलत समझ लेता है और बहुत सारे टीचर, 99% टीचर भी ऐसे कॉन्सेप्ट को गलत ही पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम रिजॉल्व करेंगे, उस चीज़ को हम सही करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो चलो, सबसे पहला इस वीडियो सीरीज में है टेबल ऑन ए ब्लॉक। जनरली जो अगर कोई भी बॉडी है टेबल पर है, इस टेबल पर अगर एक ब्लॉक है, अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है? तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ये टेबल और ब्लॉक के बीच जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर, वो कैंसिल कर गया। अब टेबल का एक्शन और ये ब्लॉक का एक्शन रिएक्शन, यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है टेबल और ब्लॉक के बीच, वो कैंसिल कर गया और ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है। तो ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि टेबल का एक्शन और ब्लॉक का रिएक्शन कैंसिल कर गया। और इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ये देखो एक बुक है, दिस बुक इज़ वेरी गुड बुक एंड लिविंग विथ ऑनर, सम्मान के साथ जीना। तो ये यहाँ पे ये एक बुक है और इस पर एक बोतल है। अब मुझे ये बात समझाना है कि ये बोतल रेस्ट में क्यों है, बाई द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये रेस्ट में क्यों है? ऑब्वियसली देखो, अगर मैं सिर्फ बोतल की बात करूँगा, कई ऑब्जेक्ट है यार, यहाँ बोतल है, बुक है, मेरा हाथ है, फिर अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ बोतल की। अगर बोतल रेस्ट में है तो बोतल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। अब बोतल पर कितने फोर्स लग रहे हैं यार? ऑब्वियसली देखो, अगर बोतल पर कितने भी फोर्स लग रहे हैं, सिंगल फोर्स तो लगता नहीं है, सिंगल फोर्स लगता तो एक्सलरेट कर जाता। तो नेट फोर्स, हज़ारों फोर्स कुछ भी लग रहा हो, एक से अधिक लग ही रहे होंगे, सबका रिजल्टेंट कुल मिला के ज़ीरो ही है, तभी जाके बॉटल रेस्ट में है। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि रेस्ट का कंडीशन क्या चीज़ होती है। तो अब देखो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो अभी हम समझेंगे इसको रेस्ट में क्यों है। सबसे पहले एक्शन रिएक्शन पेयर समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ एक बहुत ही मज़ेदार और अच्छा लॉ है फिजिक्स का, और आई लव दिस लॉ। बट ये लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उतना ही बॉडी जो दूसरी वाली बॉडी है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं हूँ, तो अगर मैं इस बोर्ड पे अगर मैंने फोर्स लगा दिया इधर की डायरेक्शन, मैंने इसको बोर्ड को पुश कर दिया ऐसे, तो मैंने जो फोर्स लगाया वो इधर की डायरेक्शन में लगाया, तो बोर्ड भी मेरे ऊपर इधर की डायरेक्शन में लगाया होगा। अब आप कमेंट करना कि मैं इधर क्यों नहीं एक्सेलरेट हुआ, क्यों मैं इधर चला नहीं गया, मेरे ऊपर सिंगल फोर्स लगा तो मैं क्यों नहीं इधर चला गया। जब बोर्ड ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया तो मुझे इधर चले जाना चाहिए था, अब मैं क्यों नहीं गया, वो आप अच्छे से कमेंट करके मुझे बताना। तो चलो बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अगर देखो यहाँ ये ब्लॉक है और ये टेबल है, यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर ब्लॉक और टेबल का कैंसिल कर दोगे तो न्यूटन की आत्मा जो स्वर्ग में है वो धरती पे आ जाएगी भाई चिल्लाते हुए, अरे भाई रुक जा क्या कर दिया। तो सबसे पहले एक्शन रिएक्शन पेयर समझते हैं यहाँ क्या चीज़ होती है। देखो ऐसे कोई मतलब रिजिड रूल नहीं है, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। तो कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन, आप किसी को एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो। तो सबसे पहले अगर ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पे सबसे पहले अर्थ एक फोर्स लगा दी, उस अर्थ को मैं इस ये जो अर्थ है, इस अर्थ को मैं रेड फोर्स से ये इंडिकेट कर दिया हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एक्शन ऑफ द अर्थ। ये जो फोर्स है एक्शन ऑफ अर्थ, ये कौन लगाया भाई? हू अप्लाई दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द अर्थ, ध्यान से समझना, अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक। कितना भाई? अगर इस ब्लॉक का मास m है तो अर्थ इसको mg एक फोर्स लगा देगी जिसको हम वेट बोलते हैं। कौन लगाया? अर्थ लगाया। किस पे लगाया? ब्लॉक पे लगाया। किधर लगाया? नीचे को लगाया, एक फोर्स ब्लॉक पे लगना स्टार्ट हो गया। चलो अब ब्लॉक क्या करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से? ब्लॉक जो है
इस अर्थ पे ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा भाई? एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से ऊपर की डायरेक्शन में अर्थ पे एमजी फोर्स लगाएगा। और इसकी जो इसको मैं रिएक्शन ऑफ इसको मैं बोल देता हूँ रिएक्शन ऑन द अर्थ बाय द ब्लॉक, इस फोर्स को मैं रिएक्शन बोल देता हूँ। और इसका नाम रख देता हूँ W1 और इसका नाम रख देता हूँ W2 बिकॉज दीज टू वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ मॉड लगा देता हूँ क्योंकि इधर mg लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये एक रिएक्शन पेयर हुआ ब्लॉक और अर्थ के बीच। चलो अब बात करते हैं टेबल और ब्लॉक के बीच। अब ब्लॉक क्या कर रहा है? देखो ब्लॉक जो है वो येलो कलर का जो पेयर है, ये जो येलो कलर का पेयर है, इस पेयर में ब्लॉक क्या किया होगा? अपने वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर उस सरफेस को पुश कर रहा होगा। पुश मतलब एक फोर्स है, पुशिंग इज ए फोर्स। जैसे ये बॉटल में रखा हूँ इस पे, तो ये बॉटल क्या कर रहा है भाई? ये बॉटल इस बुक को पुश कर रहा है, दबा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। कौन लगाया? बॉटल। किस पे लगाया? इस बुक पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ये बुक भी इस बॉटल पे फोर्स लगाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहां से अब ये जो ब्लॉक है, ये टेबल पे फोर्स लगाया, उसको मैं बोल देता हूं एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन द टेबल। इसको मैं नॉर्मल N1 से N2 से डिनोट कर देता हूं, नॉर्मल N2 से डिनोट करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो ब्लॉक ने लगाया टेबल पे, तो टेबल लगाएगा ब्लॉक पे किधर की डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में। तो ऊपर की डायरेक्शन में ये जो फोर्स लगाया, इसको मैं बोल देता हूं N1 और दैट इज द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द ब्लॉक। तो कुल मिला के समझो यहां पे दो पेयर है एक्शन रिएक्शन का, एक है ब्लॉक और अर्थ के बीच। क्योंकि एक्शन रिएक्शन की खास बात होती है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, दो बॉडी पे, अलग अलग बॉडी पे लगेगी एक्शन रिएक्शन। एक एक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक ब्लॉक पे लग रहा है, एक टेबल पे लग रहा है। अब ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक? तो कुल मिला के ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन सा? एक W1 और एक N1। W1 क्या भाई? W1 जो है वो अर्थ का एक्शन है और N1 क्या है? इस टेबल का रिएक्शन है, ऐसे नाम दे दिया हूं मैं। तो कुल मिला के अगर मैं ब्लॉक का अगर मैं कहानी देखूं, तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक है N1 और एक है W1। और ऑब्वियसली अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो W1 must be equal to N1। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, बट ऐसे नहीं कर सकते कि W1 वेक्टर इक्वल टू N1, ये तो बिल्कुल गलत है। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट हैं, दैट्स व्हाई द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो ब्लॉक रेस्ट में क्यों है? क्योंकि अर्थ का एक्शन और टेबल का रिएक्शन कैंसिल कर गया, दैट्स व्हाई द ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक्शन रिएक्शन पेयर कभी कैंसिल नहीं कर सकते न्यूटन थर्ड लॉ में, बट दूसरे का एक्शन और किसी तीसरे का रिएक्शन जाके कैंसिल तो कर ही सकता है। तो ये यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक रेस्ट में क्यों है।